चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए देखिए, यहाँ पे लाल बटन सब्सक्राइब का दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो स्टॉक है उसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। आज BSE पे April 4, 2019 को 11:37 पर 99.25 रुपये पे भाव पे ट्रेड कर रहा है और 52-week लो बनाया था 77.50 रुपये और हाई था एक साल का 166 रुपये। तो बहुत चर्चित स्टॉक है क्योंकि अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है। ये देखते हैं, एक साल मुझे लगता है कि यहाँ पे हाई इसका था, यहाँ पे ये लिस्ट कब हुआ वो देख लेते हैं हम। हाँ देखिए, अभी 17 मई लिस्टिंग हुई है इसकी, इस कंपनी की, और इसका लाइफ टाइम हाई था 264 और यहाँ पे लो बनाया था इसने 77 का और अभी आजकल 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जैसे कि अभी देखा 99 रुपये। सेंटीमीटर में लोग कह रहे हैं कि 92% बाई कर लीजिए, 8% कह रहे हैं बेच दीजिए। 21,881 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। अर्निंग पर शेयर है 3.75 रुपये का। पी है देखिए 26.51 का। बुक वैल्यू 46.53 की। प्राइस टू बुक है 2.14 की। इंडस्ट्री पी है 39.47 से, इंडस्ट्री पी से इसकी कम है। और डिलीवरेबल है 57.75%। फेस वैल्यू अभी भी 10 की है। आई एम फाइनेंशियल भी देख लेते हैं इसके। देखिए यहाँ पे स्टैंड अलोन, तो हमें स्टैंड अलोन नहीं देखें क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, दरअसल कंसोलिडेटेड हम इसके रिजल्ट्स आपको बताएंगे क्योंकि वो कंसोलिडेटेड, वो दो प्रकार के ये लोग, दो कंपनियाँ होती हैं, एक स्टैंड अलोन के फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालती हैं, एक कंसोलिडेटेड जो कंपनी की कुछ सब्सिडरीज कंपनी होती हैं या जिन अदर कंपनीज पे किसी की अगर ज़बरदस्त होल्डिंग है तो उसका अलग से निकालते हैं, और स्टैंड अलोन का खुद का दो रिजल्ट्स फाइनेंशियल ईयर के बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नेट सेल्स है हम क्वार्टर के ही बताएंगे, बाकी तो ठीक है। सितंबर 18 में जो 3,590 करोड़ की नेट सेल्स थी वो इंक्रीज होकर 3,780 करोड़ हो गई है दिसंबर 18 में। और PBDIT जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,260 करोड़ का था, वहाँ दिसंबर 18 में 1,401 करोड़ की हो गई है। और नेट प्रॉफिट जहाँ सितंबर के क्वार्टर में, सितंबर 18 में 117 करोड़ की थी, वहाँ नेट प्रॉफिट दिसंबर 18 में 138 करोड़ की हो गई। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है। और हम नेट डेट मत देखिए क्योंकि ये कंपनीज जो MBFC की होती हैं, जो बैंकें होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कंपनीज़ होती हैं, उनका डेट थोड़ा ज़्यादा ही होता है क्योंकि वो पैसे लेके ही पैसे आगे देती हैं और उसी के जो उनका ब्याज मिलता है, कमाते हैं आप लोगों से। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं इनके पास कितनी शेयर्स। देखिए प्रमोटर्स के पास 72%, सितंबर 18 में 73 थी और यहाँ पर दिसंबर 18 में 72.99 की हो गई है। और होल्डिंग तो इनके पास ज़बरदस्त है जो प्रमोटर्स के पास शेयर्स हैं। और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देख लीजिए, रिलायंस इक्विटी हाइब्रिड फंड ने यहाँ पे पैसे लगा रखे, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड ने भी यहाँ पे होल्डिंग बना रखी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड भी यहाँ पे होल्डिंग है, और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड भी यहाँ पे ज़बरदस्त होल्डिंग है इनके। अब मैं दोस्तों एक बात ये कहना चाहूँगी, मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ सारी डिटेल्स, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि अभी हाल ही में लिस्ट हुआ लेकिन 2007 से ये काम कर रही है। आइए हम देख लेते हैं। देखिए 2007 से ये कंपनी काम कर रही है, आदित्य बिरला फाइनेंस और NBFC की कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी, आप देख ही चुके हैं इसकी मार्केट कैप, और अपने इंडस्ट्री में 18वें नंबर पे है। टॉप सेगमेंट्स जो है लाइफ इंश्योरेंस से है, मतलब इंश्योरेंस वगैरह और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये जो 33% है इसकी यहाँ से फाइनेंस से इसकी आय होती है। और असेट मैनेजमेंट जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ फंड लगाना है, जितना कंपनी के पास पैसा है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये असेट मैनेजमेंट से इसको 9.3% की आय होती है। तो तीन सेगमेंट में ये कंपनी है यहाँ पे दिखा रहा है। आइए हम वेबसाइट पे एक झलक मारेंगे थोड़ी सी। देखिए यहाँ पे कंपनी प्रोटेक्टिंग सोल्यूशन, इन्वेस्टिंग सोल्यूशन, फाइनेंसिंग सोल्यूशंस। अब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, मल्टीप्लर वेलनेस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ
मैनेजमेंट, पीएमएस, पेंशन फंड्स, स्टॉक एंड सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, होम फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, एसएमई, स्मॉल इंडस्ट्रीज की जो फाइनेंस होती है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट फाइनेंस, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज जो शेयर्स वगैरह, स्टॉक्स वगैरह सॉरी होती है, और रियल एस्टेट में भी फाइनेंस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और फोर पिलर फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स। एनीवेज आइए हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे फटाफट। देखिए इंश्योरेंस में है ये कंपनी, तो ये आने वाले समय में ज़बरदस्त ये भविष्य है इसका इंश्योरेंस, जब सब लोग इंश्योर्ड हो। मैंने कल भी HDFC लाइफ का इंश्योरेंस कंपनी का एक वीडियो बनाया था, कुछ लोगों ने बहुत पसंद किया, जिन्होंने नहीं देखा वो फिर से एक बार देख लें, क्योंकि आने वाले समय में ज़बरदस्त कंपनी वो आपको अच्छा रिटर्न दे के जाए, क्योंकि उसी का बूम है। जो बूम कहते हैं ना कि कभी रियल इस्टेट का था, इंफ्रास्ट्रक्चर का था, यूनिटेक, JP एसोसिएट, इन सब लोगों ने खूब कमाया आपको एक ज़माने में, फिर अभी धराशायी हो गई। तो हर चीज़ का टाइम आता है, हर चीज़ का बूम आता है, हर सेक्टर का बूम आता है, तो अभी इंश्योरेंस का नहीं आया, तो इंश्योरेंस का आने वाला समय ये है, 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल हमेशा। अभी तो यहाँ बहुत कम लोग इंश्योर्ड है हमारे भारत में दुनिया की अपेक्षा। चलिए म्यूचुअल फंड्स, अब लोग जागरूक हो रहे हैं कि भाई अपनी जो हमारी कमाई है उसको कहीं ना कहीं सेविंग करें। सब लोग को तो शेयर्स इक्विटीज़ के बारे में पता नहीं होता, तो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से लोगों को अगर कंपाउंडिंग रिटर्न 15-20% के आसपास जो भी मिल जाए, जो बेस्ट उनके सिलेक्शन फंड का होता होगा, तो अगर म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो इसका भी आने वाले समय ज़बरदस्त है, वेल्थ मैनेजमेंट। और ये रहा फाइनेंस का, तो फाइनेंस में देखिए मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा कि कैपिटल आदित्य बिरला कैपिटल फर्स्ट और जो फाइनेंस कंपनीज बजाज फाइनेंस जो बहुत चर्चित स्टॉक है, 10 सालों में लोगों को करोड़पति बना दिया, उसका मैं एक बार झलक दिखाऊंगा चार्ट क्यों ऐसा हुआ और उसके बारे में भी बताऊंगा, और उसमें और आदित्य बिरला कैपिटल के फाइनेंस में क्या डिफरेंस है और क्या हो सकता है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड है ये, आज इसका भाव BSE पे 4 अप्रैल 2019 को 3048 रुपए पे, और देखिए यहाँ पे इसने हाई लो बनाया था 1818 का, और हाई से ऊपर ही है, सॉरी हाई से थोड़ा सा नीचे है अपने। अब 2000 आज से 10 साल पहले का हम देख लेते, 2009 का में इसका क्या भाव रहा। देखिए 2009 में इसका जो भाव था 15 दिसंबर 2009 29 रुपये, और आज है 30,000 रुपये। तो इसने माला माल बना दिया लोगों को बजाज फाइनेंस कंपनी ने, तो ये भी फाइनेंस की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो इसमें इस आदित्य बिरला कंपनी को ग्रोथ कब होगी, क्यों होगी और क्यों नहीं हो रही है वो भी बताएंगे। देखिए बजाज फाइनेंस के बारे में तो सबको पता है कि वो पकड़ पकड़ के जिस भी आप मॉल में जाएं, विजय सेल्स में जाएं, कहीं भी जाएं, कोई मोबाइल भी लेना है, कहीं शॉप पे जाएं, तो आपको फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, मोबाइल लेना है, कुकर लेना है, मिक्सी लेना है, कुछ भी करना है आपको, पकड़ पकड़ के आपको लोन, कंज्यूमर लोन देते थे। तो मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ पे सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छा कॉमेंट किया था कि सर वो कंपनी बेहतर होती है जो बिजनेस टू बिजनेस के अलावा, अगर बिजनेस टू B2C बिजनेस टू कस्टमर्स जो व्यवसाय करती है वो बहुत बेहतरीन होती है। तो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस जो है कस्टमर्स में घुसी हुई है, रिटेल कस्टमर्स में, खुदरा घर घर में घुसी हुई है कि भाई पंखा भी फाइनेंस करा लो, भाई मोबाइल भी फाइनेंस करा लो, टीवी भी फाइनेंस करा लो, और फिर उसके बाद होम लोन, सब हर उसमें लोन्स में घुसी हुई है। तो उस हिसाब से उसका मार्केट कैप बढ़ता गया और ज़बरदस्त उसका एक्सपैंड होती गई, और अपने इन्वेस्टर्स को भी अच्छा कमवाया, और आज बहुत बड़ी कंपनी है वो बजाज फाइनेंस का जो कैपिटल है। तो अब चलिए इसके और कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल क्वालिटी वाइज एवरेज क्वालिटी के है, तो अभी इसको लार्ज कैप कंपनी है और एवरेज क्वालिटी है, तो इसका मतलब अभी इसमें समय लग सकता है इसको गुड क्वालिटी या एक्सलेंट क्वालिटी में आने पे। तो मैनेजमेंट रिस्क थोड़ा सा या ये अगर साइन होता, और एवरेज क्वालिटी है ग्रोथ और कैपिटल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। सेल्स ग्रोथ है 130% जो कि अच्छा है, EBIT ग्रोथ है 36.11% की। और अब देखिए वैल्यूएशन यहाँ पे जो मीटर दिखा रहा है फेयर पे है, तो अभी नॉट एक्सपेंसिव भी नहीं है ना ही बहुत अट्रैक्टिव है। पी रेशियो हम देख ही चुके 26 का था, और ROC देखिए 10.487, ROE और ROE 8.52% का। तो ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों अभी कमज़ोर हैं, है ना। तो यहाँ पे जो एक कमज़ोरी है यहाँ पे, बाकी इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग तो ज़बरदस्त थी ना ही इनके गिरवी रखे हुए शेयर्स, और फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव हैं, और रिटर्न तो चूँकि अभी एक साल पहले तो लिस्ट हुई है, तो अभी ज़बरदस्त MBFE कंपनियों में इतनी मार पड़ी हुई है कि सारी कंपनियाँ धराशायी हैं, तो नो डाउट ये भी उसी का शिकार है ना।
तो अभी इसमें रिटर्न है, लेकिन फिर भी 3 महीने से यहाँ पे कुछ बाउंस बैक करने की कोशिश की है, 1.07% की रिटर्न है। 1 मंथ में करीब 3.5% का रिटर्न है, 1 वीक में 0.25% का रिटर्न है, बाकी 1 डे में भी नेगेटिव है, और 1 साल ईयर टिल डेट 6 मंथ में भी ईयर टिल 1 साल पहले जिसने पैसा लगाया था उसको 34% का नेगेटिव है, ईयर टिल डेट में बहुत खैर बराबर ही है, 6 मंथ में 10% का नेगेटिव रिटर्न है। तो रिटर्न तो खैर अभी इसके अच्छे नहीं हैं। और हमने शेयर म्यूचुअल फंड्स के हमने देख ही लिया और प्रमोटर्स की, हाँ यहाँ पे एक भी शेयर गिर भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी के बारे में हमने जो अभी देखा और बजाज फाइनेंस के पोटेंशियल के बारे में जो देखा, तो ऐसा नहीं है कि आदित्य बिरला कंपनी एक अच्छी कंपनी नहीं है, इसमें भी लिया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि NBFC कंपनी अभी काफ़ी सारी हैं और उनमें अभी वर्तमान समय में ज़बरदस्त पोटेंशियल है। मैंने मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है, बजाज फाइनेंस के बारे में भी जल्दी बनाऊंगा, लेकिन बजाज फाइनेंस की एक मैंने झलक भी दिखा दी और उसके बिजनेस वो उसने कैसे किया। आप भी कभी गए होंगे अगर कुछ लेने वेने मोबाइल वोबाइल, तो आपको भी उधर बैठे रहते हैं तो जगह जगह लोग जो हैं उनके एग्जीक्यूटिव होते हैं इस प्रकार से। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। आदित्य बिरला भी अपने लोन देती है, अभी पर्सनल लोन भी देना शुरू की है रिटेल्स को, रिटेल कस्टमर्स को, तो धीरे धीरे अपना व्यापार ये भी बढ़ाएगी लेकिन जिस हिसाब से अभी इसके रिटर्न्स नहीं आ रहे या रिजल्ट्स नहीं आ रहे या ROE इसका कम है, उस हिसाब से इसके रिटर्न्स भी अभी कम है। तो भविष्य में हो सकता है कि ये अच्छा ग्रोथ करे। तो फिर भी अगर आपको और अदर कंपनीज़ में या आपको लगता है कि अट्रैक्टिव अभी हमारे रेट पर मिल रहा है 100 रुपये के आसपास है और भविष्य में मल्टीबैगर हो सकता है, तो अपनी सूझबूझ के हिसाब से, हालांकि अभी बहुत सारी कंपनी है, बजाज फाइनेंस भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, लेकिन वो थोड़ा आपको अगर महंगा लग रहा होगा कि ये, लेकिन 3000 उसका प्राइस अभी सस्ता है क्योंकि उसके जो कंपनी की वैल्यू है उस हिसाब से उसका प्राइस सस्ता है। लेकिन अभी आदित्य बिरला कैपिटल का जो फेयर वैल्यूएशन पे है, तो जिस हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट और जिस हिसाब से कंपनी की रिटर्न है उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा फेयर पे है। तो आप जो भी चाहें दोनों में से ले सकते हैं, लेकिन आदित्य बिरला कैपिटल अगर चाहें तो एक्युमुलेट कर सकते हैं थोड़ा सा भविष्य में आने वाले समय के लिए। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ बात आ गई होगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बन रही है हमारे साथ।